नमस्कार साथियों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके स्मार्टफोन का इंटरनेट काफी ज्यादा स्लो चल रहा है और आप अपने स्मार्टफोन के इंटरनेट को फास्ट करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं कि किस प्रकार हम अपने इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज कर सकें, अगर आप ये जानना चाहते हैं किस प्रकार किया जाता है तो ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखें। आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नई नॉलेज मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि आप कुछ नया सीख सके, कुछ नया जान सके। और अगर आपकी कोई क्यूरी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो डायरेक्टली आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपना मैसेज या कमेंट यहां भी दे सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या क्या स्टेप है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने स्मार्टफोन की इंटरनेट स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, तो वह सभी इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हो, तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं जिन स्टेप की मदद से आप अपने स्मार्टफोन की स्पीड को फास्ट एंड बूस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका जो स्मार्टफोन है उसकी इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा स्लो है तो उसे आप इजी स्टेप्स में इंक्रीज कर सकते हैं, वह तरीके आज आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन के इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज करेंगे। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर जाना है। स्मार्टफोन के अंदर मैं आपको कुछ फंक्शन सेटिंग्स बता देता हूं। आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर जाकर बैकग्राउंड में जो डेटा रनिंग है, यानी जो बैकग्राउंड के अंदर जितने भी एप्स आपको जाना है अपने स्मार्टफोन में, सेटिंग के अंदर एप्स के अंदर जाना है। एप्स में जाने के बाद वहां पर जितने भी एप्स हैं जो आप बैकग्राउंड में यूज नहीं करना चाहते हैं, उनमें इंटरनेट खर्च होता रहता है, उससे बचने के लिए उन एप का आप बैकग्राउंड डेटा को स्टॉप कर दें, बंद कर दें। ये किस प्रकार किया जाता है, तो आपको अपने स्मार्टफोन पर जाना है, जिस भी ऐप को आपको बंद करना है उस ऐप के अंदर जाना है, उस ऐप के और उसकी सेटिंग्स के अंदर आपको लिखा हुआ आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे बैकग्राउंड डेटा ऑफ एंड ऑन, आप वहां से उसे ऑफ कर दें, आपका बैकग्राउंड जो डेटा खर्च होता था वह बचेगा, आपकी स्मार्टफोन की स्पीड भी इंक्रीज होगी, आपका डेटा भी खपत होने से बचेगा और आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफी हद तक इंक्रीज रहेगी। एक तरीका। दूसरा स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये, आपको अपने स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर आपने काफी ऐसे गेम्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, यहां आप इंस्टॉल करते हैं और उनको खेलते हैं, तो इनको आप लाइट वर्जन यूज करें। देखिए दोस्तों, अगर आप फेसबुक का, आप ऑफिशियली फेसबुक वाला जो मेन है, यानी दोनों ऑफिशियल लेकिन जो मेन है बड़ा वाला एप्लीकेशन उसको यूज करते हैं, इंटरनेट ज्यादा खर्च होता है, लाइट वर्जन यूज करेंगे आपका स्मार्टफोन काफी लाइटली चलेगा और आपके स्मार्टफोन के अंदर इंटरनेट का डेटा भी कम खर्च होगा। आप अपने स्मार्टफोन में इस फंक्शन को जरूर यूज करें। नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं इंटरनेट की, वो ये है, आपको बैकग्राउंड के अंदर जैसे आपके व्हाट्सएप पर जाना है और वहां पर ऑटोमेटिकली काफी ऐसे जो वीडियोस होती है, फोटोज होते हैं, ऑटोमेटिकली आते ही डाउनलोड होने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वह खर्च हो जाता है। अगर आपका बैकग्राउंड में वीडियोस को डाउनलोड कर देता है, इमेज को डाउनलोड कर देता है आपका व्हाट्सएप, तो उसे स्टॉप कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें काफी हद तक आपका जो डेटा है वह खर्च हो जाता है और आपकी जो स्पीड है वह स्लो होती है। जैसे ही आप कुछ कर रहे हैं, किसी की वीडियो आई पट वो डाउनलोड होने लग जाती है, फिर आपका डेटा थोड़ा स्लो, फिर कुछ होता है उसमें वीडियोज आ जाती है, मैसेज आते हैं, फिर वापस इंटरनेट स्लो। इससे बचने के लिए आप उसे स्टॉप कर दें, आपका इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों स्पीड। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं स्पीड को तो इन टिप्स को फॉलो जरूर करें। नेक्स्ट स्टेप, आपको अपने स्मार्टफोन पर जाना है और वहां पर अबाउट के अंदर जाना है, स्टेटस में आपको अपने जो नेटवर्क है उसकी डीबी रेंज को देखना है, किसमें बढ़िया रेंज आ रही है। अगर आपके जैसे दो सिमें हैं आपके पास, एक वोडाफोन की हो सकती है, एक एयरटेल की हो सकती है, एक जियो की हो सकती है, बीएसएनएल की हो सकती है, कोई सी भी सिम, तो एक सिम के अंदर आप चेक करें इसमें आपकी डीबी रेंज क्या आ रही है, दूसरे में आपकी रेंज क्या आ रही है, जिसमें बढ़िया रेंज आए उसके अंदर आप इंटरनेट डलवाएं, उसका यूज करेंगे तो आपकी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी फास्ट आएगी,
क्योंकि आपके एरिया में, आप जिस एरिया में रहते हैं उसमें कौन से इंटरनेट में पर्टिकुलरली किस इंटरनेट के अंदर काफी अच्छा नेटवर्क आता है, किसके अंदर थोड़ा स्लो नेटवर्क आता है, तो जिसमें भी अगर बढ़िया इंटरनेट आए, बढ़िया नेटवर्क आए, उसमें आप इंटरनेट डालकर इंटरनेट का यूज करें, आपका इंटरनेट थोड़ा फास्ट चलेगा। नेक्स्ट जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है, आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर जब भी कुछ अपलोड करना है, कुछ डाउनलोड करना है, अगर आपकी स्पीड थोड़ी स्लो आती है तो आपको किसी को, कस्टमर केयर को, अपने फ्रेंड को, किसी को भी कॉल करके, आप कॉल पर अगर इंटरनेट चलाएंगे तो आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट आएगी। ये मैं पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे डेली 1 GB, 500 MB, 800 MB, 900 MB की वीडियोज अपलोड करनी होती है और इन्हीं वीडियोज के अंदर इंटरनेट स्पीड काफी ज्यादा स्लो आती है और मैं इन्हीं ट्रिक को फॉलो करता हूं ताकि मैं अपने इंटरनेट की स्पीड को थोड़ा फास्ट कर लूं। मैं मोबाइल से चलाते समय, कहीं ट्रेवलिंग करना होता है उस समय इंटरनेट जब हम मोबाइल चलाते हैं या कहीं भी घूम रहे हैं तो अचानक हमें कोई वीडियोस अपलोड करनी है तो अपलोड करने के लिए बना के रख लेता हूं, अपलोड करने के लिए हमें इंटरनेट की, फास्ट इंटरनेट की जरूरत होती है, तो इसी टिप्स को मैं फॉलो करता हूं। तो आप किसको भी कॉल लगाएं, अपने फ्रेंड को, फैमिली में, या फिर आप कस्टमर केयर को कॉल लगा लें, कहीं भी लगाकर अगर आप इंटरनेट का यूज करेंगे आपकी इंटरनेट की स्पीड फास्ट एंड बूस्ट आएगी। जो टिप्स मैंने आपको बताए, जो तरीके मैंने आपको बताए, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका इंटरनेट काफी ज्यादा फास्ट चलेगा, डेफिनेटली काफी ज्यादा फास्ट चलेगा। एक बार ट्राई जरूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जब कॉल के समय इंटरनेट किस प्रकार चलाएं, यानी हम कॉल पर बात कर रहे हैं उस समय इंटरनेट किस प्रकार चलाएं, किसी की कॉल आ जाती है उस समय कैसे चलाएं, तो इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है। आप हमारे चैनल पर जाइए, उन वीडियोस को सर्च करें और जरूर देखें, वो वीडियो आप में बहुत ज्यादा काम आएगी। क्योंकि काफी बार हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, किसी की कॉल आ जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है और वहीं से हमारी फाइल या जो भी डाउनलोड होता है वो रुक जाता है, फिर डायरेक्ट दोबारा से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आप ये तरीके फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि हम हमारे चैनल पर डेली नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए लाते हैं, ये नॉलेजेबल जो कंटेंट है आपके काफी ज्यादा काम आएगा। अगर आप इस कंटेंट को देखते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं, आप काफी कुछ नया सीखेंगे। तो दोस्तों आप हमारी वो वाली वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने आपको बताया है कि इंटरनेट के समय, यानी कॉल पर बात करते समय इंटरनेट किस प्रकार चलाएं, तो उस वीडियो को देखकर आप अपने स्मार्टफोन का जो इंटरनेट है काफी हद तक अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।